सदर थाना पुलिस की ओर से हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही में पुलिस ने एक 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उक्त बदमाश 2019 से एक हत्या के प्रयास प्रकरण में फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार उक्त प्रकरण में पुलिस ने पूर्व में 5 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी 24 वर्षीय देवीलाल उर्फ देवाराम पुत्र चोनाराम जाट निवासी ग्राम रामावास खुर्द पुलिस थाना जैतारण जिला पाली है। सदर थाना पुलिस के अनुसार बलाड़ा थाना आनंदपुर कालू जिला पाली निवासी सुरेंद्र पुत्र दानाराम जाट ने 29 मई 2019 को गैर इलाज पर्चा बयान दर्ज करवाया कि मैं तथा मेरे साथ वाले भारत पेट्रोल पंप ब्यावर से गाड़ी में तेल भरवा कर जैसे ही रवाना हुए कि सामने से बोलेरो के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी और उसमें से 8-10 लड़के उतरकर लाठी सरिये से मारपीट करने लगे। वह लोग मारपीट कर नकदी सोने की अंगूठियां एवं चैन लूट कर ले गए, जिसके संबंध में पुलिस थाना ब्यावर सदर पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में पूर्व में 5 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य वांछित अभियुक्त गण की धरपकड़ हेतु थाना स्तर पर टीमें गठित की जाकर तलाश की गई। अभियुक्त देवीलाल उर्फ देवाराम पुलिस थाना जैतारण जिला पाली का हिस्ट्रीशीटर होकर 5,000 रुपए का इनामी हिस्ट्रीशीटर है, जिसकी तलाश की जाकर दिनांक 2 मार्च 2023 को अभियुक्त देवीलाल उर्फ देवाराम पुत्र चैनाराम जाट को जैतारण जिला पाली से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पीसी रिमांड प्राप्त किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने वाली टीम में सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह राव, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, कांस्टेबल अजय चौधरी, मुकेश कुमार तथा प्रदीप कुमार आदि शामिल रहे।